दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पीडब्ल्यूडी भर्ती अप्रैल 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग में बम्पर भर्ती की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म आप आज ही से फिल कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2023 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें आपका क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी आपको इसमें कितनी प्रोवाइड की जाएगी, क्या आपको आवेदन शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो कि जारी हो चुकी है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2023 की पूरी जानकारी। सबसे पहले हम आपको यहां पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, उसके बाद पीडीएफ से हम आपको डिटेल अपडेट दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की यह भर्ती निकली है। इसमें पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की, एई और जेई की पोस्ट है। 317 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 244 वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी 73 वैकेंसीज निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ से ही दिखाएंगे। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 मार्च 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए 21 अप्रैल 2023 है और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए 20 अप्रैल 2023 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 23 अप्रैल 2023 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए 22 अप्रैल 2023 है। सैलरी डिटेल की अगर बात की जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 30,000 से 1,10,000 रुपये है प्रति माह के लिए। जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए 14,000 से 49,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात अगर एज लिमिट डिटेल की जाए तो यहाँ पर इसमें असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है, जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 297.20, SST OBC MOBC के लिए 197.20, BPL या PWD कैंडिडेट्स के लिए 47.20 रुपये है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे, रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस की इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ से ही दिखाएंगे। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन असम है, असम पीडब्ल्यूडी की भर्ती निकली है। APSC.NIC.IN ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बात अगर इसकी नोटिफिकेशन डिटेल की जाए तो दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, पब्लिक वर्क्स रोड PWRD पब्लिक वर्क्स BNH डिपार्टमेंट के अंतर्गत, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। 244 वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए निकली है और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन है, पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट PWRD का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर पब्लिक वर्क्स बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट का भी ये नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत भर्ती निकली है। इसके लिए 73 वैकेंसी यहां पर निकली है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की जानकारी देंगे, उसके बाद हम आपको जूनियर इंजीनियर
पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इंडियन सिटीजन्स के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। एपीएससी के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी की भर्ती है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 244 वैकेंसीज है। इसमें बात अगर यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें RFW के लिए जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है 244 के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हो टोटल 244 जो वैकेंसीज है। इसके लिए यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए टोटल 117 पद है, इसमें RFW के लिए 35 पद है और रिजर्व फॉर OBC या MOBC के लिए टोटल 64 है, इसमें RFW के 19 पद है। इसी तरह रिजर्व फॉर SC के लिए 27 पद है, इसमें यहाँ पर 8 आप देख सकते हो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रिजर्व फॉर STP के लिए 27 वैकेंसीज है और STH के लिए 9 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 244 है, इसमें 73 RFW कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैकेंसीज के बाद में आप यहाँ पर इसकी सैलरी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। 30,000 से 1,10,000 है, 12,700 ग्रेड पे है, PV4 बैंड के अंतर्गत। यहाँ पर 21 से इसमें 38 वर्ष आयु सीमा है, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। 5 साल की एज रिलैक्सेशन SC, STP, STH कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि मैक्सिमम इनके लिए 43 वर्ष आयु सीमा है और 3 साल की छूट OBC, MOBC कैटेगरी के लिए है, यानी कि इनके लिए 41 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। और PWD यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट है, 48 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। इसी तरह यहाँ पर बाकी की कैटेगरी के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि 15 साल की EX सर्विसमैन के लिए है, यहाँ पर आपको जानकारी पूरी दी गई है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करते हुए एज रिलैक्सेशन की जानकारी चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से आप असिस्टेंट इंजीनियर की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी की क्राइटेरिया भी देखिए, जैसे कि पास पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन में होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से, और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी इसमें जरूरी है आप देख सकते हो इंजीनियरिंग का, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है जो आप चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर डेट दी गई है आवेदन करने की, 22/3 से 21/4 तक आवेदन चलेंगे APSC.NIC.IN पोर्टल से। एप्लीकेशन फीस की डिटेल है जो आपको यहाँ पर दी गई है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए फीस पेमेंट करने की डिटेल भी है, हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, APSC recruitment.in पोर्टल से रजिस्टर हेयर लिंक पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। हम आपको कंप्लीट डिटेल दिखाएंगे कि कैसे आप लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने की डिटेल दी गई है कि कितने KB में आप कैसे अपलोड करोगे, वो जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो, PDF में ही पूरी डिटेल में जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इसमें पूरी डिटेल दी गई है, जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसमें दी गई है जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर के नोटिफिकेशन की PDF है, उसके बाद इसी तरह जूनियर इंजीनियर की आप ये अपडेट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 73 वैकेंसीज निकली है, इसमें ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी पद नहीं है, ना ही रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और SC के लिए 21 वैकेंसीज है और STP के लिए 40 वैकेंसीज है, STH के लिए 12 वैकेंसीज है। यहाँ पर टोटल 73 वैकेंसीज इसमें निकली है यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। इसके लिए भी यहाँ पर सैलरी 14,000 से 49,000 है, 8,700 ग्रेड पे है, PB2 के अंतर्गत, 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है, 1 जनवरी से आयु की गणना की जाएगी, 5 साल की छूट SC, STP और STH कैटेगरी के लिए है, 17 साल की यहाँ पर आप देख सकते हो EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स को छूट मिल रही है। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है, इसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग और प्लानिंग में मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में डिप्लोमा या कोर्स इसमें मांगा गया है। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते हुए क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर आवेदन करने की डेट दी गई है, फीस की यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कैटेगरी वाइज, और हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसीजर इसी तरह से आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर दोनों पोस्ट की PDF यहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको भी ये दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है तो आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो
एई नोटिफिकेशन पीडीएफ और जेई नोटिफिकेशन पीडीएफ दोनों लिंक दिए गए हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिंक पर क्लिक करते हुए आप दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेंटर में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है। अभी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन का लिंक है, इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है कैंडिडेट्स के लिए, और लॉगिन का सेक्शन है और रजिस्टर का सेक्शन है। अगर आपने पहले से यहाँ पर इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको सबसे पहले लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा और लॉगिन करते हुए यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, उसके बाद में पासवर्ड और ये कैप्चा फिलअप करते हुए आपको लॉगिन करना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया है तो रजिस्टर हेयर की यहाँ पर भी आप टैब पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर होम पेज पर देख सकते हो बैक करके। यहाँ पर रजिस्टर की टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, और उसके बाद में आपको कास्ट सेलेक्ट करनी होगी, पीडब्ल्यूडी आप हो या नहीं, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ में पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद में आपको ओटीपी जनरेट करना होगा और रजिस्टर की टैब पर क्लिक करते हुए रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। इस तरह से आप सिंपल तरीके से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस भर्ती का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर सेंटर में आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और न्यू एस्पिरेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर एस्पिरेंट्स इस लिंक पर क्लिक करते आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सभी स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, उसके बाद में आपके सामने पर्सनल डिटेल का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ आपको यहाँ पर और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इस तरह से यहाँ पर 200 के बी साइज है मैक्सिमम। इसके बाद में यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में आपको विजिट करना होगा, उसके बाद में अप्लाई की टैब पर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अप्लाई टैब पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में पेमेंट की सेक्शन में जाना होगा और फीस पेमेंट करते हुए फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इसमें कर रखा है तो आपको यहाँ पर ये लॉग इन करते हुए फॉर्म भरना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भी दे दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पीडब्ल्यूडी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।